स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर एंड तक ज़रूर देखें ये वीडियो। तो दोस्तों ये वीडियो है, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, अगर मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बनाता हूँ वीडियो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल से आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, या वीडियो मेरा फ्यूचर में ना देखें। मेरे वीडियो पे व्यू आए ना आए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 100 लोग भी देखेंगे, 50 लोग भी देखेंगे, मोर देन एनफ है। सिर्फ मेरा मकसद है नॉर्थ ईस्ट भाई बहन, ठीक है, जो भी डाउट है मैं उनका पूरा करता हूँ। और मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का, क्या वीडियो है मेरा, आप ऑलरेडी जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड वीडियो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होता है, बाकी वीडियो ऐसे रहता है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बातें, जैसे मैं डायरेक्टली ओपनली बहुत बताता हूँ, अब बहुत लोग कह रहे हैं, क्या मेरा भाई SBI में काम करता है, वो यहाँ से है, दूसरे स्टेट से है, तो उसको कोई डाउट नहीं हुआ LPT में, आप कैसे कह सकते हो। तो यार भाई से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, भाई से सजेशन ले लो, अप्लाई कर दो। आप एक चीज़ नहीं जानते, माइंडसेट, नॉर्थ ईस्ट का जो एक इंसान होता है उसका माइंडसेट आप नहीं जानते हैं, ठीक है। जो इंसान नॉर्थ ईस्ट में रहता है वही समझ सकता है। आपको क्या लगता है जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनका माइंडसेट और यहाँ के जो है माइंडसेट एक ही है, या यहाँ के लोग हैं, यहाँ के ऑफिसर्स हैं, चाहे जो भी है, माइंडसेट एक ही है? टोटली अलग है यार, आप नहीं समझ पाओगे। जो रहते हैं नॉर्थ ईस्ट में उनको ही बेटर पता है। तो आप मेरा मतलब नहीं समझते हो। तो अगर आपका कोई है SBI में तो उनसे सजेशन लो यार, वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है और कमेंट करने की क्या ज़रूरत है। जब आपके घर में खुद SBI है तो उनसे ही सजेशन लेके अप्लाई करो। मैं क्या बताया हूँ, LPT आज भी कह रहा हूँ, वो बात कहूँगा ही, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वही रहता है। LPT में क्या होता है, अगर मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया और ये रियल एग्ज़ाम्पल है, आप माने या ना माने वो आपकी मर्ज़ी। एक कैंडिडेट है जिसको दो लैंग्वेज आता है, आज भी यही बात कह रहा हूँ, और एक कैंडिडेट है जिसको एक लैंग्वेज आता है, और जो कंडक्ट करा रहा है, भले ही वो ऑफिशियली मेंशन हो 10-12 में इंग्लिश हो तो आप सिलेक्शन ले लोगे, अगर मेंशन है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेंशन होते हुए भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, याद रखना। वो डिपेंड करता है, 100% रिजेक्ट नहीं होगा लेकिन रिजेक्ट हो जाओगे, समझ रहे हो, वो डिपेंड करता है। क्योंकि जो कंडक्ट करा रहा है आपका LPT, वो एक ऑफिसर जो है उसके माइंड में क्या चल रहा है वो आप नहीं जानते हो, उसका मर्जी है। आपको जानते हुए भी आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। तो एक बात आप ये पॉइंट ध्यान से रखना कि वो डिपेंड करता है, हो सकता है ऐसा ना भी हो, ठीक है, ऐसा ना भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बताओ नॉर्थ ईस्ट का। तो आप ये बात समझना ध्यान से, आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ SBI के लिए, IBPS क्लर्क हो, IBPS RRB PO क्लर्क हो, इसमें मैंने क्यों बताया फिलअप कर सकते हो आप, लेकिन LPT का इशू आएगा, लेकिन कम इशू आएगा, मैंने ओपनली बताया ये बात। IBPS क्लर्क, RRB ये सब में इशू आएगा, कम आएगा। जैसे RRB में क्या होता है, आपको एक्सटेंशन मिलता है, 3 साल में भी टर्मिनेशन देखा है मैंने, किसी का 2 साल में टर्मिनेशन देखा है RRB में। क्लर्क में नहीं होता है, रेयर है, बहुत रेयर है कि टर्मिनेशन हो आपका। तो ये सब मैं फैक्ट बताऊँ, SBI में टर्मिनेशन है, स्ट्रिक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक है SBI, लेकिन ये बात याद रखना, ये डिपेंड करता है कौन कंडक्ट करा रहा है आपका LPT, एक इंसान, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। तो एक कैंडिडेट अगर इंग्लिश जानता हो और दूसरा कैंडिडेट 2-3 लैंग्वेज जानता हो और उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आपको टर्मिनेट कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके माइंड पे। तो 100% टर्मिनेशन नहीं करेगा लेकिन कर सकता है, ये बात मैंने बताया आपको।
तो आप वीडियो ध्यान से नहीं सुनते हो, आपको समझ नहीं आता। तो इसलिए बोलता हूँ SBI रिस्की होता है, अगर लैंग्वेज आपको आता है 100% तो अप्लाई करें। ये बस कंडीशंस बताया हूँ माइंड में क्या चलता है एक इंसान के। और मैंने एक बात क्या बताया, अरुणाचल में इंग्लिश है, नागालैंड में इंग्लिश है, फिर भी टर्मिनेट हो सकते हो, क्यों बताया मैंने? बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिसको इंग्लिश है 10-12 में, लेकिन बोलना नहीं आता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो आप बताओ, वो तो जानता है ऑफिसर कि आपको, आपसे बात किया, आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रहा है, वो जान रहा है कम्युनिकेशन के टाइम में, क्योंकि आप अरुणाचल में जाओगे तो आपसे हिंदी में बात नहीं किया जाएगा LPT में। तो अगर आपको दिक्कत है, आपका फ्लो इंग्लिश में ठीक नहीं है, खराब है, तो डिपेंड करता है वो अथॉरिटी पे, डिपेंड करता है वो आपको ले या ना ले, उसकी मर्जी। आपके 10-12 में है तो ये हिसाब से आपको अगर ले ले ठीक है, लेकिन वो चाहे तो ना भी ले, ये कर दे कि LPT इसको इंग्लिश आता ही नहीं है बोलने। तो ये कंडीशन आप एग्री करो या ना करो, मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन जो रेल है मैं बता रहा हूँ। तो आपका कोई भी हो, आपका किसी का चाचा काम कर रहा है, किसी का भतीजा काम कर रहा है, किसी का क्या काम कर रहा है, किसी का बीवी काम कर रहा है, किसी का पति काम कर रहा है, यार तुम लोग जो कमेंट करते हो मेरा ये कर रहा है वो कर रहा है, यार उससे मुझे क्या लेना, उसी से जाके पूछो ना यार। तो वीडियोस मत देखो मेरी, उसी से जाके पूछो क्या हुआ था LPT में, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, उसी से ले सजेशन और अप्लाई कर दो। मेरी सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मेरे भाई बहन, लास्ट 11:30 बजे मैं जो बोला हूँ वो बस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया पहले ही कि कौन से स्टेज से भरना है। ये वीडियो का मतलब है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक एवरेज कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट रिस्क लेना चाहता है, उसको लगता है कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, तो रिस्क ले लो। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क मतलब ये नहीं कि क्लियर ही हो जाएगा वो स्टेज से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है हो सकता है फेल हो जाए, प्रीलिम्स में ही हाई कट ऑफ चला जाए वो स्टेट में, या लो से लो चला जाए, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। 11:30 तक या 11:15 तक मैं बताऊंगा, एक मिनट का वीडियो रहेगा वो। ये बस मेरा एक दिल का बात है, मैं बस लास्ट मोमेंट में शेयर करना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने कर दिया, बहुत बार बता दिया आपको इनडायरेक्टली, आपको समझ आया, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। तो दोस्तों, इस पर वीडियो बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और अगर आपको लगता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आज से मेरी वीडियो ना देखें, ठीक है? और अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारा चैनल, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं लेकिन मेरा ये मकसद जो है, मेरे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन, मैं उसको गाइड करता है, करते रहूँगा आगे जाके, जो भी डाउट होगा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते रहूँगा। मेरा मेन मकसद है ये सब वीडियोज़, रियल वीडियोज़, बाकी जो रिजल्ट ये वो सब बस ऐसे व्यूज़ के लिए आते रहे हैं यार। मैं बार बार ये बात बता दिया हूँ, व्यूज़ के लिए बनाता हूँ ऐसे वीडियो, वो ये सब रहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपको देखना ज़रूरी होता है, वो सब वीडियो नहीं भी देखेंगे चलेंगे। मैंने बहुत बार बोला है आपको वीडियो में कि ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऐप आपके मोबाइल में ऑलरेडी होगा, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा, अगर रिजल्ट आउट हुआ, एडमिट कार्ड आउट हुआ, सारा मिल जाएगा, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है यार, इतना भी मैंने बताया आपको। तो वो आपकी खुशी आप देखते हैं, ठीक है, सोचते हैं कहीं थोड़ा व्यूज हो जाए, तो ये सब फैक्ट है भाई, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो मुझे कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, आप अप्लाई कोई भी स्टेट से कर सकते हो, याद रखना, स्टेट कोई भी स्टेट से कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस कंडीशन से बता रहा हूँ कि क्या एक माइंड सेट में चलता है एक इंसान के, अगर आप उसके सामने होते हो। तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो मैं माइंडसेट आपको शेयर किया, आपको समझ आया तो सही है, नहीं समझ आया तो आपकी मर्ज़ी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।